तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी की। इस ग्रेवी में आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, जैसे कि दम आलू, मलाई कोफ्ता और शाही पनीर। और मैं यहाँ पे आपके लिए वेज हांडी दीवानी की रेसिपी लाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 1 टेबल स्पून मगज के बीज डालेंगे, जिसे मस्क मेलन सीड भी कहा जाता है, और साथ में यहाँ पे 1 टेबलस्पून काजू डालेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। इन सबको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तिल हमारे चटकना स्टार्ट हो गए हैं और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए अपने खड़े मसाले रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डालेंगे, 1 इंच दालचीनी, 2 छोटी लौंग और 3-4 काली मिर्च, 1 जावित्री फूल इसका एक टुकड़ा और 1 टेबलस्पून खसखस। इन सबको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो चलिए, जब तक हमारे खड़े मसाले ठंडे हो रहे हैं, मैं आपको सब्जियां बताती हूँ जो इसमें डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं, जिसे बॉयल कर लिया है और छोटे पीसेस में काट लिया है, और साथ में यहाँ पे 1 मीडियम साइज कॉर्न लिया है, जिसे थोड़ा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे 2 छोटी शिमला मिर्च ली हैं, जिसे भी हमने 1-5 मिनट का बॉईल दिलाया है, और साथ में यहाँ पे 1 मीडियम साइज हमने गाजर ली है, जिसे हमने शिमला मिर्च के साथ 5 मिनट बॉईल किया था, और यहाँ पे हमने 2 टमाटो की प्यूरी ली है। तो चलिए, हमारे खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं, उसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, और साथ में हमने जो काजू, मगज और तिल को रोस्ट किया था, उसे भी इसमें डाल देंगे, और इन सबको पीस कर इसका एक फाइन पाउडर या पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से पिस चुका है। तो चलिए, अब हम अपना ड्राई प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम इस मिक्सचर को एक बाउल में डाल देंगे और साथ में डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे हम कश्मीरी रेड चिली ले रहे हैं सिर्फ कलर के लिए, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार, और साथ में 1 पिंच हल्दी पाउडर। और इस प्रीमिक्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेड ग्रेवी प्रीमिक्स तैयार है। इससे आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं। मैंने जो अभी प्रीमिक्स बनाया है वो मैंने एक ही सब्जी के लिए बनाया है, तो आप अगर 2-3 सब्जियों का प्रीमिक्स एक साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल या ट्रिपल करके इसको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से पहले आप इसे सीव कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और इसे 6 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्यूब्स बटर के लिए हैं, आप चाहें तो 4-5 टेबलस्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं।
बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे टमाटो प्यूरी डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं उसमें से ऑयल नहीं छूटता। इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए दोस्तों, टमाटर का पानी अच्छे से सूख चुका है और इसमें ऑयल भी दिखाई दे रहा है। और अब हम इसमें अपना प्रीमिक्स डालेंगे जिसे हमने 15 मिनट के लिए ढककर रखा था। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रीमिक्स को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो ग्रेवी है ये वो अच्छे से थिक नहीं हो जाती, इसमें से तेल छूटना शुरू नहीं हो जाता। और इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो देखिए दोस्तों, मुझे इसे चलाते चलाते 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ी थिक भी होने लगी है और इसे चलाते रहना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है। तो देखिए, अब इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें तेल अच्छे से छूट रहा है, यानी कि हमारी जो ग्रेवी है वो लगभग तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे, जिसे मैंने आपको दिखाया था बॉईल करके रखा है, अब हम इसमें वो डालेंगे। तो देखिए, सब्जियां हमारी सारी डल चुकी हैं, अब हम इन सब्जियों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, पर पहले मैं अभी आधा डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके देख लूंगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसको आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी लूज चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, 7 मिनट हो चुके हैं, सब्जी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये सब्जी बनाना कितना आसान है। अगर आप प्रीमिक्स बना के स्टोर कर देंगे तो जब भी कभी कोई गेस्ट आए आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज हांडी दीवानी तैयार है। तो फिर इंतज़ार किसका, त्यौहार का समय है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन पे बनाइए सब्जी को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक